नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र में आवारा मवेशियों की बढ़ती संख्या आवाजाही करते लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनी हुई है। हालांकि निगम प्रशासन द्वारा पशुओं की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जो नाकामी साबित हो रहा है। वहीं प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग भी धड़ल्ले से साप्ताहिक बाजारों में किया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर ग्रैंड एसीएन न्यूज ने नगर निगम भिलाई के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी से चर्चा की। आइए देखते हैं बातचीत के खास अंश। आज हमारे साथ मौजूद हैं नगर पालिक निगम भिलाई के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी। क्योंकि नगर निगम क्षेत्र में लगभग सभी वार्डों में आवारा मवेशियों की जो बढ़ती जनसंख्या लोग चिंता का कारण बनी हुई है। लोग आवारा मवेशी सड़कों पर बैठे रहते, जिससे आवागमन में काफ़ी तकलीफों का सामना आवाजाही करते लोगों को उठाना पड़ता है। इसके साथ ही प्रतिबंधित पॉलीथीन को लेकर अगर कहा जाए तो सरकार द्वारा सख्त निर्देश है, प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई किए जाने का। क्योंकि इस संबंध में नगर पालिक निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही, उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि अधिकांश विशेषकर साप्ताहिक बाजारों में प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग करते लोग देखे जाते, विशेषकर दुकानदार। तो इसका किस तरह से कार्रवाई की जा रही नगर निगम द्वारा, अब तक कितने लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा, आइए हम अशोक द्विवेदी जी से बात करते हैं। सर, सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि क्योंकि लगातार शहर में आवारा मवेशियों की संख्या सर बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से आवारा मवेशी सर सड़कों में बैठे रहते, तो इसे किस तरह से सर कार्रवाई की जा रही आवारा मवेशियों की धरपकड़ को लेकर? देखिए, ये बात तो सही है कि ये समस्या ही है और इसके लिए भी हम लोगों ने दो टीम बनाई है और ये सुबह 9 बजे से ये कार्रवाई करते हैं। दो टीम है, दो जोन तरफ करते हैं, दो जोन इस तरफ करते हैं। एवरेज हम लोग पर डे काम कर रहे हैं। करीब 15 से लेकर 20 मवेशी, पहले तो NH को देखते हैं कि NH में किसी तरह से जो खाली रहे और जो मुख्य मार्ग हैं जहाँ पे मवेशी बैठे रहते हैं, ये इनको हमने अभी तक तो जो ये हमने 13 जुलाई से चालू किया था ये, और करीब 900 के आसपास हमने इसको गोठान में ले जा करके वहाँ पर रखा है। उसमें से कुछ लोग जो पालतू जो हैं 231 ले भी गए, उसमें हमको 1 लाख रुपये करीब उसमें फाइन के रूप में मिला भी। पर ये लोगों पे हम लोगों से भी अपील करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि अपने के जानवरों को आप रोड में मत भेजें और उससे नुकसान होता है, जान माल का नुकसान हो जा सकता है। तो ये लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं और गोठान में इसको ले जाके, और गोठान में भी जो पहले की समस्या आ जाती है तो हम लोगों ने कुछ लोगों ने रिपोर्ट भी दिया है कि अगर कुछ इसमें गाय को पैर के रूप में प्रदान कर सकते हैं तो लोगों ने ले जाके फिर उनको रखना और उनको सुरक्षित रखना, ये भी काम है। वेटरनरी डॉक्टर हमारे यहाँ रोज आते हैं और रोज 2 बार उसकी चेकिंग होती है। तो ये काम हम अभियान के तौर पर कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सब इस तरह से जो गाय और मवेशी समस्या है। क्योंकि सर, नगर निगम द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, टीम है इसके लिए गठित की गई सभी जोन क्षेत्रों में, उसके बावजूद भी सर देखा जाता है कि अनेक स्थानों में सर आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगे रहता है। क्योंकि आप लोगों द्वारा पशुपालकों को भी हिदायत दी जाती है, लगातार चेतावनी दी जाती है, उसके बावजूद सर किस तरह का असर अभी तक देखने को मिला है? असर अब ये तो है कि अभी असर तो नहीं देखने को मिल रहा, हम ही लोग इसमें जूझ रहे हैं, उसको उठा रहे हैं। ये लोग उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं या क्या है कि अब अगर उन्होंने मवेशी पाल लिए तो अपने घर में रखें, वो क्या करते हैं दूध निकालते हैं और सड़क छोड़ देते हैं। ये खासतौर पर कोसा नगर के पास में ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ टोल प्लाजा पुराना जो बंद हो गया वहाँ पे में डेयरी बहुत सारी है, डेयरी बहुत सारी हैं। एक्चुअली यहाँ पे 700-800 करीब डेयरी है और ये सिर्फ अपने मवेशियों को या तो सड़क से विचलित करवाते ले जाते हैं या सड़क भी छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से समस्या इनको ये हम ट्रेस कर रहे हैं। और अगर ऐसा है कि जो उसको टैग करते हैं, जो गाय पकड़ी गई या भैंस पकड़ा गया है, इसमें सबसे बड़ी समस्या हम आपको बताना चाहेंगे कि नंदी जो है वो उसको कोई ले भी जाता और वो बड़े बलशाली भी होते हैं और काफ़ी वो उनको पकड़ने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो वो नंदी तो हमारे पास, हम लोगों ने तो खैर वो नंदी का समझ में आता है कि लोग छोड़ दिए हैं तो अब उसको हम ले जाके गोठान में रख रहे हैं। लेकिन जो गाय है, जो पालतू गाय है, जिनको लोग जिनका दूध वो लोग निकालते हैं या व्यवसाय करते हैं, कुछ वो करते हैं, उसको रोड में छोड़ देते हैं। तो अब अगर वो नागरिक जो इस तरीके से कर रहा है और बार बार बताने के बाद अगर वो उसको ट्रेस करेंगे, रजिस्टर में दर्ज करते हैं,
एक बार हो गया फाइन दे दिया, दूसरी बार भी होगा तो अब हम उसको पुलिस की कार्रवाई जो वैधानिक कार्रवाई होती है वो भी करें। सर चूंकि आवारा मवेशियों को पकड़ने के उपरांत शहरी गोदाम में रखा जाता है, तो सर वहाँ मवेशियों के चारा पानी और इलाज को लेकर सर किस तरह की व्यवस्था है? चारे पानी की बताया, जैसे मैंने बताया चारे पानी की व्यवस्था करते हैं यहाँ से निगम से किया जाता है। वहाँ पे एक समूह है, समूह जो है वो गोबर उससे जो होता है उससे जो खाद बनती है उसका भी उसकी जो इनकम होती है उसमें से कुछ चारे के लिए करते हैं। हमने दानदाताओं से भी अपील की हुई है, वहाँ बोर्ड भी अपील भी बोर्ड भी लगाया हुआ है, वहाँ कोड सिस्टम कोडिंग सिस्टम भी है कि लोग उसको स्वेच्छा से दान करें। गाय का गाय को पैरा दान करना वड़ा खोलने का काम होता है, तो ये इस तरीके से करते हैं। वेटरनरी डॉक्टर हमारे यहाँ नियुक्त है जिला प्रशासन से, दोनों टाइम मंगवाते हैं और उनको बकायदा उसके रजिस्टर मेंटेन होता है, वो जो बीमार होती है उनको दवाया करते हैं। क्योंकि सर दूसरा सर विषय की अगर बात की जाए तो सर नगर निगम द्वारा लगातार प्रतिबंधित पॉलीथीन को लेकर के अभियान निरंतर चलाया जा रहा है, उसके बावजूद भी सर देखा जाता कि दुकानों बाजारों विशेषकर सर साप्ताहिक बाजारों में ज़्यादातर फल सब्जी विक्रेताओं द्वारा प्रतिबंधित पॉलीथीन का ही प्रयोग किया जाए। नहीं, इसमें भी अभियान लगातार हम 1 जुलाई से चला रहे हैं, 1 जुलाई से चला रहे हैं। और छोटों को अगर छोटे में हैं व्यापारी, अब बड़े व्यापारियों को उनको हमने उसको किया करीब हम लोग 468 जो बड़े जो होलसेलर हैं, क्योंकि छोटे जब वो बिकना बंद हो जाएगा तो छोटे फिर वो अपने आप जो है उसमें होंगे। हमने क्या कपड़े उसकी बैकअप की व्यवस्था भी की है, जगह जगह हमारे समूह की जो महिलाएँ हैं वो दुकानों में जो कपड़े जो थैले हैं उसको हमने दिया है। तो और इसमें करीब 366,000 रुपये हम लोगों ने फंड के रूप में वसूल कर किया है अभी तक 468 लोगों। जैसा कि आप बता रहे हैं साप्ताहिक बाजार में सही है कि वो जो छोटे हैं अब वो जो ये पॉलीथीन देने वाले हैं उसको भी हम लोग पता लगा रहे हैं। ये जो बड़े व्यापारी हैं जो पॉलीथीन का होलसेल का काम करते हैं, छोटे व्यापारी को आप समझा ही सकते हैं, वो बेचारा रोज कमाना रोज खाना है, अब उसको 500 रुपये लगा देंगे तो उसका तो जीवन खराब ही हो जाएगा। उसको समझाइश दे रहे हैं भैया तुम थैले का उपयोग कर लो, थैले का पैसा जो होता है वो जो पर जैसे माल वाल में कहीं जाते हैं आप देते ही होंगे कि वो लोग कोई जो थैला नहीं लाता उसको थैला देते हैं, उसके बदले में उस थैले की कीमत देते हैं 1 रुपये 2 रुपये। तो जो आदमी फल खरीद रहा है या जो आदमी सब्जी खरीद रहा है या जो मटन मछली खरीद रहा है वो या तो अपने घर से थैला ले आए या फिर उसकी वो व्यवस्था रखे जो बेच रहा है कि ये थैला है भैया आपको प्लास्टिक नहीं देंगे इसके बदले आपको पैसा देना हो। इस तरह से अवेयरनेस भी हम बकायदा इसकी रैली भी निकलती है, हमारे NGO लोग भी है जो समूह की महिलाएँ वो वार्ड वाइज उसमें जुलूस निकाल के और व्यापारियों को भी हम समझाते हैं। लगातार कार्रवाई चल रही है, मैं आशा करता हूँ कि ये धीरे धीरे तो खत्म हो गया, बहुत कम हो गया पर कार्रवाई हम लोग निरंतर कर रहे हैं। सर अंतिम सवाल आपसे ये है कि लगातार स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, नगर निगम भिलाई को इसमें कुछ विजेता का खिताब भी हासिल हुआ है, लेकिन सर उसके बावजूद भी देखा जाता है कि सर जो लगातार कई स्थानों में सर सड़कों के किनारे कचड़ों का डंप रहता है, नगर निगम के जो स्वास्थ्य अधिकारी है या कहें निरीक्षक है सर स्वच्छता निरीक्षक, उनके द्वारा इस चीज़ को स्थिति को नज़रअंदाज किया जाता है, लगातार सर शिकायतों के बावजूद 4-5 दिनों के अंतराल में एक स्थान से कचरे को उठा करके मेन कचरा पॉइंट में डंप किया जाता है, तो सर इससे बहुत अव्यवस्था की स्थिति बनी रहती है। नहीं ऐसा नहीं है, बकायदा देखिए मार्केट में भी रात को सफाई हो रही है, सफाई में लगातार सजग है, नागरिक भी सजग हो गए हैं। अब कचरा उठाने का काम उसके लिए SLM सेंटर बनाया हुआ है, सेग्रीगेशन करके करते हैं। तो क्या है अभी जैसे अभी का टाइम आप बोलोगे तो दिवाली का टाइम है, आप नॉर्मली जो रूटीन का जो ओवर टाइम होता है उसमें निकलने वाला कचरा और दिवाली के इस त्यौहार के समय में निकलने वाला एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन में ये बात हो सकती है कि कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा कचरा निकल रहा है तो उसको उठाने में कुछ समय लग रहा हो, पर ये बात नहीं है, सफाई बराबर हो रही है उसकी, क्योंकि फीडबैक नागरिकों से किया जाता है। अगर आप बोलो कि स्वच्छता में हमको अवार्ड मिला है तो उसकी वजह ये है कि लोगों का उसमें फीडबैक आया, ये ऐसे नहीं हो जाता कि सफाई नहीं हो रही है, सफाई नहीं हो रही है और अवार्ड मिल जाए, ये नागरिकों से पूछते हैं, बाहर से दिल्ली से टीम आया करती है। अभी देखो दिवाली के समय त्यौहार के समय थोड़ा टाइम पड़ रहा है, अभी छठ का भी और तालाबों की सफाई भी कराने, कई रोड भी बहुत बड़ा हुआ है और अभी ये टेंडर भी जो है सफाई ठेकेदार पे उसकी बात आती है कि थोड़ा से चिंतन से काम नहीं कर रहा है, SPC कह रहा है उसको भी नोटिस दिया है, अब उसका टर्न ओवर खत्म हो रहा है, नया टेंडर आएगा तो अभी अपन देख रहे हैं कि कितनी जगह और हमको आवश्यकता हो सकती है मैनुअल की
या और कामों की संसाधनों की, तो वो चीज़ भी इसमें ऐड कर रहे हैं। आने वाले समय में ये हम गारंटी के साथ कहेंगे कि भिलाई स्वच्छ रहेगा, इसमें नागरिक भी सहयोग करेंगे, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। सर, स्वच्छता को लेकर प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग करने से रोकने, सर हमारे चैनल के माध्यम से आप शहरवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, हम तो शहर से सभी के नागरिकों से सभी से हम ये अनुरोध करते हैं या अपील करते हैं कि पॉलीथीन का कृपया उपयोग न करें, जो एकल उपयोग वाली पॉलीथीन है उसका उपयोग न करें, उसके बदले में आप कपड़े के थैले, कागज के थैले इसका उपयोग करेंगे तो पर्यावरण को भी आप फायदा पहुँचाएंगे और उसमें स्वास्थ्य को भी फायदा पहुँचेगा। तो इसमें आप सबसे अपील हम करना चाहते हैं कि पॉलीथीन का उपयोग करके न करें। ये थे हमारे साथ नगर पालिक निगम भिलाई के अपर आयुक्त, जिन्होंने प्रतिबंधित पॉलीथीन से लेकर के स्वच्छता को लेकर के प्लस आवारा मवेशियों की धरपकड़ को लेकर नगर निगम द्वारा चलाया जा रहे अभियान की हमें जानकारी दी। आपको यह हम यहाँ पे यह बात जरूर बताना चाहेंगे कि अशोक द्विवेदी जी द्वारा लगातार इन सभी कार्यों की मॉनिटरिंग की जाती है, सवेरे से वह विभिन्न वार्डों के भ्रमण में रहते हैं, इससे स्थिति में काफ़ी हद तक अभी सुधार देखने को मिला है। चूँकि आवारा मवेशियों की जमघाटा जमावड़े का प्रमुख कारण मवेशी मालिक हैं, जिनके द्वारा दुधारू मवेशियों का से दूध निकालकर उन्हें सड़कों के पर छोड़ दिया जाता है। तो अब अपर आयुक्त महोदय द्वारा लोगों से, पशुपालकों से विशेषकर अपील की गई है कि पशुओं को के खान पान की व्यवस्था वो अपने स्थलों पर ही करें जहाँ पर पशुओं को बांधा जाता है। इस तरह से हमारा भिलाई स्वच्छ, भिलाई सुंदर, भिलाई की जो परिकल्पना है वो निरंतर साकार होती रहेगी। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए अभिषेक के साथ संजय दुबे।